हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑन टॉपिक जैकोबियन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, इफ एक्स इज इक्वल्स टू रो कॉस साई, वाई इज इक्वल्स टू रो साइन साई, जेड इक्वल्स टू जेड. ओके, शो दैट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल रो साई जेड इक्वल्स टू रो. हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल रो साई जेड किसके इक्वल है? रो के इक्वल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है? x इक्वल्स टू रो कॉस साई, y इक्वल्स टू रो साइन साई, z इक्वल्स टू z. प्रूफ हमें क्या करना है? डेल x y z अपॉन, अब दोबारा क्या लिखेंगे, डेल रो साई और क्या है z. हमें प्रूफ क्या करना था? ये कि रो के इक्वल है. ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, कि डेल एक्स अपॉन डेल रो, डेल एक्स अपॉन डेल साई, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल वाई अपॉन डेल रो, डेल वाई अपॉन डेल साई, डेल वाई अपॉन डेल जेड, डेल जेड अपॉन डेल रो, डेल जेड अपॉन डेल साई, डेल जेड अपॉन डेल जेड. ओके, पर अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे पहला वाला टर्म है, जैसे x, तो x पहले रो के साथ होगा, फिर दूसरा x साई के साथ होगा, फिर x z के साथ डिफ्रेंशिएट होगा. ठीक है, ऐसे y पहले रो के साथ, फिर y साई के साथ, फिर y z के साथ, फिर z रो के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, फिर z. अब क्या करेंगे कि हम x को पहले रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यूवी रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल रो हमें क्या मिलेगा, कॉस साई. ठीक है, अब डेल एक्स अपॉन डेल, डेल एक्स अपॉन डेल साई हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंने गलती से रो लिख दिया, यहाँ पर डेल साई होगा. ओके, अब यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल साई, तो डेल एक्स अपॉन डेल साई निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस रो साइन साई. ओके, अब डेल एक्स अपॉन डेल जेड निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल जेड निकालना है, तो यहाँ पे जेड का कोई टर्म तो हमें गिवन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया. अब हमें दूसरा क्या निकालना है, डेल वाई अपॉन डेल रो. ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल रो निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन साई, इसमें भी यूवी रूल लगा के हमने निकाला कि साइन साई आ गई. अब डेल वाई अपॉन डेल साई निकाल रहे हैं. ठीक है, अब इसमें भी यूवी रूल लगाएंगे, तो यहाँ आएगा हमारा रो कॉस साई. अब यहाँ पर भी कोई जेड का टर्म दिया नहीं है, तो ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल रो, डेल जेड अपॉन डेल रो क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने पर, जीरो, इसमें कोई रो का टर्म तो है नहीं. अब डेल जेड अपॉन डेल साई क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा, इसमें साई का टर्म नहीं है. अब डेल जेड अपॉन डेल जेड क्या आएगा, वन. ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो आई हैं वो हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, कॉस साई, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस रो साइन साई, यहाँ पर क्या आएगा, जीरो. ठीक है, अब दूसरे वाले रो में आएगा साइन साई, रो कॉस साई, फिर यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, फिर यहाँ पर ही आएगा जीरो जीरो और वन. अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं वन, तो वन लिया, तो यहाँ पर इस रो, इस कॉलम को और इस रो को हम छोड़ देते हैं, इस कॉलम को इस रो को छोड़ देते हैं, तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, रो कॉस स्क्वेयर साई. ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या, हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दिया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया. अब फिर हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, रो साइन स्क्वेयर साई. ठीक है, अब रो को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, रो को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा कॉस स्क्वेयर साई प्लस साइन स्क्वेयर
साई। ठीक है, अब यहाँ पर अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया रो कॉस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई, फिर यहाँ पर क्या बचा रो 1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई रो। हमें यही प्रूफ करना था कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल रो साई जेड किसके इक्वल हो जाए, रो के। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि ये रो के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड।